राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कुमार विश्वास ने कहा कि सदस्यता समाप्त होने से कुछ नहीं होता है। जब जब भी संसार में बड़ी क्रांतियां हुई तो वह घर से निकले हुए लोगों ने ही की हैं। इस दौरान कुमार ने भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अयोध्या का राजकुमार महलों में रह जाता तो वह राजकुमार ही कहलाता। महलों से निष्कासन के बाद जंगल जंगल भटक कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। रामलीला मैदान में मुस्लिम सभापति जीवन खान ने गदा और धनुष का निर्माण करवाया। रामलीला मैदान के तिराहे पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह 17 फीट ऊंची गदा धनुष का सीकर विधायक राजेंद्र पारीक ने लोकार्पण किया। डॉक्टर कुमार विश्वास ने सभापति जीवन खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि रमजान के महीने में सीकर के सभापति ने मुसलमान होते हुए भी रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम के धनुष और हनुमान जी की गदा का निर्माण करवाकर संपूर्ण भारत में एक शानदार यादगार अविस्मरणीय मिसाल पेश की है। सदस्यता वदस्यता से कुछ नहीं होता, निकाला हुआ आदमी सदैव यश लाता है, विजय लाता है, अगर पुरुषार्थ ठीक से किया जाए। दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई वो समूहों ने नहीं करी, वो निष्कासित लोगों ने की। और मैं जिसके जन्म की पूर्व संध्या पर खड़ा हुआ हूं वो सबसे बड़ा प्रतीक है। अयोध्या का राजकुमार अगर महल में रह जाता तो राजकुमार रहता, जंगल जंगल भटक कर निष्कासन के बाद लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाया। निकले हो तो कोई बात नहीं।